और जंगल के सन्नाटे को देखते हुए काफ़ी डर लग रही है। ये हमारा गांव का बॉर्डर है, इससे ये देखो पूरा भयंकर जंगल लग जाता है। मतलब हमारे पास तीन लोकेशन है, आप तीन लोकेशन में से नीचे को जाए, सामने को जाए या ऊपर को जाए। क्योंकि इतना एक ही में ले जाना है, दोबारा कौन आएगा इतनी दूर। घास बहुत हो रखी है यहाँ अभी के टाइम में। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का एक नए कैंपिंग वीडियो में। तो बाकी हम गांव से तो निकल गांव से निकल गए हैं अपने जंगल की ओर। बाकी इतना सामान आ रखे, थोड़ा थक गए हैं, इधर बैठे हैं, पानी वानी पिया। काफ़ी लंबा ट्रैक करके आ रखे हम, रोज़ के रोज़ मतलब करीबन 1 किलोमीटर चल के आते हैं जंगल तक। तो काफ़ी सामान भी हो जाता है ना। तो अभी मौसम भी कितना मस्त हो रखा है, देखो पीछे बैकग्राउंड में गजब का लग रहा होगा। अभी हमने डेस्टिनेशन जो है वो चूज़ नहीं कर रखी कि कहाँ जाएंगे करके। अब बीच वाला रास्ता, मतलब हमारे पास तीन लोकेशन है, आप तीन लोकेशन में से नीचे को जाए, सामने को जाए या ऊपर को जाए। मेरा भाई लोग तो कह रहे हैं नीचे को जाए, यहाँ को चलते हैं यहाँ को, क्योंकि इस साइड बहुत बहुत देर हो रखी है, मतलब बहुत दिनों बाद कैंपिंग नहीं कर रखे है इस साइड को, तो इसी साइड जाएंगे। तो कैसे लग रही है आप सभी लोगों को हैं? तो कैंपिंग में हम रोज की तरह तीन भाई लोग जुड़ चुके हैं, आज की कैंपिंग भी दिखाते हैं आप सभी लोगों को मज़ेदार। लेकिन अभी इस खूबसूरत से मौसम का मज़ा ले रहे हैं। ज़्यादा नीचे जाना भी खतरा है ना। ठीक है दोस्तों, डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है बढ़िया करके। अब यहाँ कैंप लगाते हैं बढ़िया करके, क्योंकि ये जगह मस्त लगी मेरे को। थोड़ा अगल बगल झाड़ियाँ है, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी हमारी साइड को तो जहाँ भी जाओ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ मिलेंगी आज के टाइम में। तो ठीक है, फिर देरी ना करते हुए टेंट लगाते हैं, फिर लकड़ी भी ढूंढनी है, उसका भी काम है। ये इधर लगा देते हैं बढ़िया करके, सही रहेगा। एक कुछ काटा वाटा तो नहीं हो रखा है, तो टेंट की पैकिंग भी नहीं कर रखी है। ऐसे लगा देते हैं यहाँ, लकड़ियाँ कुछ मिल जाएगी सही रहेगी। ये जंगल बड़े खराब, घास बहुत हो रखी है यहाँ अभी के टाइम में। लकड़ियाँ मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं, मिली ठीठे मिल रहे हैं बस। तो दोस्तों वहाँ से लकड़ी ला गया मैं, नीचे अंधेरा ही अंधेरा और रखा है, तो कुछ लकड़ियाँ और हैं बाकी। इतनी सारी इकट्ठी कर लिया, फिर इतनी इकट्ठी कर ली, कुछ ठीठे हैं और कैंप हमारा ऊपर साइड है। और जंगल के सन्नाटे को देखते हुए काफ़ी डर लग रही है, ऊपर से लैपट की आवाज़ आई वहाँ से, तो बहुत रिस्की हो रहा गेम। जल्दी आओ भाई, वो नीचे हैं अपने भाई लोग, वो नीचे लकड़ियाँ ढूंढ रहे हैं, लकड़ियाँ हो जाएगी मेरे ख्याल से। हमें कैंप फायर के लिए चाहिए बाहर से। ये हमारा गांव का बॉर्डर है, इससे ये देखो पूरा भयंकर जंगल लग जाता है। इससे इधर को खेत समझ लो एक हिसाब से, मतलब ये भी जंगल में आता है लेकिन ये भयानक जंगल ठहरा इससे इधर को। तो अभी हम अपने बॉर्डर इस पार आ रखे हैं, अभी जंगल में एंटर करेंगे थोड़ी देर बाद। आगे भाई लोग अपने भाई बॉर्डर पास कर रहे हैं, आराम से करो बॉर्डर पार। तार वार घुसेंगे तो घुसे रह जाएंगे, बहुत लकड़ियाँ ढूंढी यार फिर भी हमने, डिटेल वगैरह।
क्योंकि भाई के लिए तो कुछ नहीं है, ये बॉर्डर ये है, गाड़ी है, बाइक है, बाइक। चले फिर लकड़िया अपनी एडजस्ट करी जा रही है, देखो क्योंकि इतना एक ही में ले जाना है, दोबारा कौन आएगा इतनी दूर। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। इस हाथ में भी रखो ऊपर करो छी मार। वाह हां अच्छा क्यों गिरे शरीर में है तो मत मत कर दे की पाते है। ठीक है फिर दोस्तों, आग भी लग गई और लकड़ी भी लाई गए थे बढ़िया करके। आज जरा हवा पड़ रही है तो देख रो, हवा आज ही पड़ रही है। देख रो अंडे रख लेते हैं इसमें, तब तो रख दे ये पानी तो नहीं यहाँ पड़ गया यार। अपने अंडे हो रहे हैं, इसमें अंडे उबालते हैं, नमक डालते हैं थोड़ा बहुत, बस हो गया। ठीक है थोड़ा हल्के गड्ढे कर रही थी यार। अपनी रेसिपी स्टार्ट भी करते हैं, खाना बनाते हैं बढ़िया से। तो कहीं से बोलते हैं आटा, सॉरी मतलब क्या बोलते हैं, गूंथते हैं आटा, गूंथते हैं, गूंथते हैं आटा। पहाड़ी पहाड़ी नहीं, पहाड़ी में बोलते हैं ओलते हैं, ओलते ओलना पिछे ओलना। ये बड़े प्याज बड़े ही काट रखे हैं, इसका भी कुछ रीज़न है, बताता हूँ। मैंने नहीं समझ नहीं आया तो फिर खाना फिर कम उड़ रुपये खाना। ठीक है दोस्तों, अपनी यहाँ रोटी बन गई है बढ़िया करके। बाकी अंदर का अंडे वंडे तो मैंने अच्छे से छिक्कल विक्कल निकाल दिए उनके बढ़िया से, बॉईल भी हो गए थे वो। लेकिन भाई मेरे को आपको ज़्यादा ही ठंडा हो रहा है, पता नहीं क्यों। टोपी वोपी पहन के नहीं आ रखा हूँ मैं, भूल गया था घर। कितनी रोटियाँ बनी तो भाई लोगों ने कुछ इस प्रकार की रोटियाँ बना दी। ठीक है बेलन नहीं आ गई तो इतना शेप थोड़ा हो रखा है। कोई बात नहीं यार, जंगलों में जंगल है ना, मतलब नहीं यार। दोस्तों अब इन अंडों को ना बढ़िया करके जो ग्रेवी बना रखी है उसमें डालेंगे। ठीक है ठीक है, ये हो गया अपना। अभी और है तो उसको इसमें मिक्स करते हैं, हमने स्पाइसी बना रखे हैं ये, तो ये हो गया ये।
तो ये कुछ इस प्रकार की बनती है। तो अपने इसके साथ अपनी रोटियां है, तो रोटियां भी खाएंगे बढ़िया करके। ठीक है, ये अपना खाना है पूरा। जी जी अंदर अंदर। चलो फिर दोस्तों, खाना वाना बन गया फिर बढ़िया करके। काफ़ी टाइम लगा मेरे बाबा, गड़ा गड़ हो गया। खाते यार, भूख लगी है, बहुत भूख लगी है यार। तो अपना छोटी सी डिश बना रखी थी, नॉर्मल सी लाइट लाइट, एग और टमाटर का मिक्स करके बढ़िया सा हो रखा है, चखा हमने थोड़ा। तो खाते हैं यार, चलो क्या करना है। नमक और मिर्ची का स्वाद तो अलग ही नंबर आ रखा है। आग ऐसी जलाई नहीं उनने, आग नहीं। चलो फिर दोस्तों, खाना खाने के बाद मिलते हैं बढ़िया करके, उसको निपटाते हैं ना। ठंडा भी हो रहा है ऊपर से, चले ठंडा हो रहा है। तो दोस्तों, खाना वाना खा लिया बढ़िया करके, काफ़ी ठंडा हो रहा है आज के दिन। तो बाई गॉड समझ में नहीं आ रहा भाई, ठंडी ठंडी हवा, ठंडी ठंडी हवा भी पड़ रही है, उससे ठंडा भी हो रहा है। जैसे तैसे करके खाना खाया, खाना तो एक नंबर हो रखा था बढ़िया करके। ठीक है, सुबह मॉर्निंग में मिलते हैं फिर आप सभी लोगों को, और लोकेशन दिखाते हैं। सामने का गांव भी गजब का दिख रहा है वैसे तो। चलो फिर गुड नाइट आप सभी लोगों को। इनको क्या पता है, हंस रही है अभी। इन्होंने एक कॉमेडी वाली बात ही करी ना, उस टाइम से हंसने में ही है ये कॉमेडी वीडियो। कल मिलेंगे गाइस, बाय। ऐसी मिलेंगे सुबह, ऐसी बात करी मतलब उसमें हंसने में ही है। ठीक है, तो चलो फिर सोते हैं। ठीक है, बढ़िया करें, आप भी सो, कल मिलेंगे, मॉर्निंग में मिलेंगे। हाँ, इसको ज्यादा हिचकी आ रही होगी इस भाई को। बाय बाय। चलो कैमरा ले जाता हूँ फिर, अंदर को ठंडा हो रहा है यार। चलो बाबा, गुड नाइट। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक नई मॉर्निंग में। तो काफ़ी अच्छी धूप भी आ गई, और आज जरा देर तक सोए रह गए। काफ़ी ठंडा हुआ यार कल इस साइड को यार, बाय गॉड। ओस जो बहुत तगड़ी गिरी थी, पीछे पूरा टेंट गीला हो रखा है, अभी धूप आ रही है उसके मारे सूख रखा है। अभी अभी नहीं, बिक्की भाई बर्तन धो रहे हैं, टेंट पैक करते हैं, काफ़ी लेट हो गई है। और यहाँ का व्यू दिखाए तो आपको, बहुत अमेजिंग व्यू है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, लेकिन ये धूप ना बहुत सुकून दे रही है यार शरीर पे। ये देखो, चलिए फिर दोस्तों, टेंट वेंट पैक हो गया अपना बढ़िया से, और सारा सामान पैक कर दिया है। आज हमने चाय भी नहीं बनाई, काफ़ी लेट हो गया करके। बाकी कैसी लगी आपको कैंपिंग वीडियो, छोटी सी ग्रुप कैंपिंग, ऐसे लाते रहेंगे आप सभी लोगों के लिए। और कमेंट करते रहना, ठीक है, और अच्छे अच्छे कमेंट करना, जिसमें हम नया इम्प्रूवमेंट करें इस कैंपिंग में, कुछ नया लाए आपके लिए। तो कुछ चैलेंज टाइप का भी बताना, ठीक है। और धूप भी मस्त आ रखी है, चलते हैं अब घर को। सामने हमारा गांव है, हिमालय भी का गजब का रखा है। ठीक है, फिर सारा सामान पैक हो गया हमारा, ये देखो पीछे। तो लोकेशन कुछ इस प्रकार थी, फिर चारों ओर दिखा देता हूँ, ये देखो। चलो फिर ठीक है, चलते हैं और मिलते हैं एक नई कैंपिंग वीडियो में। बाय बाय।